मैं पत्रिका से बोल रहा हूँ, पत्रिका.com। हाँ आपसे कुछ बात करनी थी, टाइम है आपके पास? टाइम तो अभी ट्रैवलिंग कर रहा हूँ सर, जहाँ पे हमको पहले मैंने अपने मन से रहता था ना, जहाँ पे अच्छा, वहाँ से मुझे सरकार की तरफ से मुझे मिल रहा है कहीं रहने का फैसिलिटी कहीं और जगह में दिया गया है। तो कहाँ दी गई है आपको फैसिलिटी? मध्य प्रदेश सरकार की अभी तरफ से मिली है? मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से नहीं, ग्वालियर जो जो पद्मावती स्कूल है ना, वहाँ के अच्छा जो हेड ऑफिसर है कलेक्टर साहब जो पता नहीं ऐसे, वो बता रहा है कि डीएम साहब, डीएम अच्छा डीएम साहब, हाँ, उसने परमिशन दिया है कि दूसरे जगह में दिया रहने के लिए अच्छा मतलब प्रशासन ने आपके लिए उपलब्ध सिक्योरिटी कराई है या सिक्योरिटी के साथ में। सिक्योरिटी के साथ में। ठीक है, अब आप एक से ये हाँ बताइए मुझे, छोटी सी, मैं आपका 5 मिनट लूंगा बस, कि आपका जो वो हुआ है, आपको ऐसा ऑफर आया है क्या कि अडानी जी की तरफ से आपको जाने के लिए प्लेन का टिकट ऑफर किया गया है? हाँ अडानी कंपनी ने ऑफर दे दिया है, टिकट शायद आ गया होगा, वो मुझे बात करना पड़ेगा प्रेस वाला, दूसरा एक प्रेस वाला है विजय राठौर जी। धनंजय ये बताइए कि गोंडा से ग्वालियर आने के लिए क्या मतलब, इसका जो सेंटर है झारखंड में भी तो कई जगह है एनईटी का सेंटर है, तो आपका ग्वालियर सेंटर पड़ा था कि आपने चूज किया था? नहीं मेरे पत्नी को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। हाँ अच्छा, तो मतलब ये पहले भी आप ग्वालियर में रहे हैं क्या? अच्छा ग्वालियर में सर पहले मेरा दोस्त रहता था ना, तो मेरा रिलेशन भाई, तो उसके तरफ से मैं एक बार आया था यहाँ ग्वालियर, मुझे बहुत अच्छा लगा था। हाँ तो सर मैं ये बोल रहा हूँ कि गरीब पर्सन हूँ और दूसरी बात ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मुझे सब जगह में मुझे हटा दिया जा रहा है, अच्छा तो मतलब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो तो कोई भी मुझे पूछ नहीं रहा था। तो मैंने अपने पत्नी मिला पढ़े लिखी, तो मैंने उसको भी झूठ बोल बोल के मैंने किसी तरह करके शादी कर लिया, तो ज्यादा तो झूठ नहीं बोला था, बट उसको भी लगा कि लाइफ में कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग बेरोजगार होकर ना नहीं काम कर पाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, तो अच्छा उनको भरोसा हुआ मेरे ऊपर में कुछ आगे करने के लिए, तो मेरा पत्नी ने मुझे साथ दिया, अच्छा और मैंने जब शादी करने के बाद मैंने खुद सपोर्ट किया, और पढ़ो तुम जितना तुम जहाँ तक तो पढ़ना चाहते हो। हाँ तो फिर मतलब क्या है, फिर मैंने उसको पत्नी को मैंने पढ़ाने के यहाँ एग्जाम देना, लेकिन यहाँ आया था सेकेंड ईयर है इस बार। तो अभी आप क्या करते हैं? क्या चीज अभी आप जॉब के रूप में कुछ करते हैं? जॉब के रूप में नहीं करते, कोई मुझे पूछता ही नहीं, नॉन मेट्रिक हो इसीलिए। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपको ये स्कूटी से अपनी वाइफ को लेके 1100 किलोमीटर का जब आपने सफर किया, तो आपको कोई दिक्कतें हुई होंगी बहुत सारी, कोई मदद मिली कहीं क्या, कि मतलब आपके नहीं दिमाग में नहीं आइडिया कैसे आया कि स्कूटी से? देखो एडिया तो मेरा पास नजर तो वही था, ट्रेन कैंसिल हो गया, पैसा जेब में ज्यादा नहीं था, और 30,000 बस वाला मांग रहा था, मैं उसको दे नहीं सकता था। अच्छा, बस वाला 30,000 रुपए मांग रहा हाँ था। दो आदमी जाएंगे, मेरा मेरा वाइफ जो अभी प्रेगनेंसी है ना, तो इस समय में तो वो तो अकेले जाएगा नहीं ना, अच्छा, हाँ तो हम साथ में इसको क्यों छोड़ू मैं अकेले, किसी का भरोसा, तो मैं इसीलिए अपना स्कूटी में मैं बोला कि चलो मैं आपको लेके जाऊंगा, तो डरो मत, हमारे बच्चा भी सुरक्षित रहेगा और हम दोनों भी रहेंगे सही, अच्छा, तो कभी लाइफ में कभी याद करेंगे कि हमारे साथ में बच्चा भी साथ में आया था। अरे नहीं, बहुत आपके, मैं मेरी दुआएं हैं कि आप एकदम हाँ इनका नेट निकले और तरक्की करें, ये बिल्कुल दुआएं हैं, है ना? तो जी ये बिल्कुल। अच्छा है। तो आपकी स्कूटी खुद की है कि आपने स्कूटी किसी से ली थी? नहीं, स्कूटी खुद का है, आप मेरा भी वाइफ किसी तरह करके लिया था, एजुकेशन कैसा करके पढ़ाई करते करते। अच्छा, हाँ तो तो मेरा मतलब स्कूटी भी है, आपकी वाइफ ने ही खरीदी थी, आपने नहीं हाँ खरीदी थी? मेरा पास इतना कैपेसिटी होगा तब ना सर, मैं होटल में काम करता हूँ अच्छा, और मेरा पास इतना कैपेसिटी नहीं कि कोई मुझे मदद कर दे, कोई मुझे पूछता ही नहीं था। आप अपनी वाइफ को लेके 1100 किलोमीटर आए हैं, तो ये जी आपके लिए बिल्कुल। बहुत अच्छी है। बाकी इस दौरान यात्रा में आपको कोई मुश्किलें का सामना करना पड़ा? कितना दिन लगा आपको यहाँ पहुंचने में ग्वालियर? तो 3 दिन लगा आने में, आप फिर रात में रुकते कहाँ थे? हाँ पहला दिन मुजफ्फरपुर में रुके थे, रात को 10-11 बजे रात में अच्छा, लॉज में रुके थे, और कहेंगे पहला दिन तो बहुत दर्द हुआ था दोनों को, हाँ और दूसरा दिन क्या हुआ कि हम लोग लखनऊ में रुके थे, लखनऊ अच्छा में गार्डन में, कहेंगे हम लोग के पास पैसा नहीं था इसीलिए। अच्छा, हाँ तो फिर ऐसा करके 3रा दिन हम लोग यहाँ ग्वालियर पहुंच गए।